राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का एक दस्तावेज होता है। एक साल का सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ और एक साल में सरकार ने किन किन योजनाओं पर काम किया, किस किस क्षेत्र में काम किया और हिमाचल के विकास के लिए किस प्रकार का सरकार का योगदान रहा, इन बातों का जिक्र महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में होता है। और मैं इस विधानसभा में कई वर्षों से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुनता आ रहा हूँ, लेकिन आज सचमुच में एक बहुत बड़ी निराशा हुई। राज्यपाल महोदय जी की तो एक व्यवस्था है तो स्वाभाविक रूप से वो जो सरकार की ओर से अभिभाषण बन करके जाता है उसको वो पढ़ करके सुनाते हैं। एक घंटे पाँच मिनट का अभिभाषण और एक साल की एक भी उपलब्धि उसमें जिक्र के रूप में नहीं आई है। और सरकार का पाँच साल का कार्यकाल में से एक साल निकल गया है, यानी कि 14 महीने निकल गए, लेकिन उपलब्धि के नाम पर अभी भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को अगर हम पूछें तो जवाब कोई नहीं है, उपलब्धि के नाम पर शून्य है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की सरकार ने जो गारंटियां दी थी और जिसको कहा उनने राज्यपाल जी के अभिभाषण में कि उसको हमने अपना जो हमारा घोषणा पत्र है उसको हमने नीतिगत दस्तावेज के रूप में उसको स्वीकार किया है, लेकिन नीतिगत दस्तावेज के रूप में उसको स्वीकार किया है उसमें आपने एक साल के कार्यकाल में किया क्या है? 10 गारंटी दी थी, 10 गारंटी में से एक भी गारंटी पूरी नहीं। अधिकांश गारंटियां जो है 1-2 गारंटियों के सिवाय कोई भी गारंटी का जिक्र ही मतलब छुआ तक नहीं है। तो प्रश्न पैदा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने, क्या सुक्खू की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले जो गारंटियां दी थी उनसे अपना किनारा कर दिया है, क्या वो छोड़ दी है? क्योंकि इस दस्तावेज से तो यही लगता है कि उन गारंटियों का जिक्र जब है ही नहीं कि हमने काम क्या किया, तो इससे सहज रूप से एक आदमी महसूस कर सकता है कि गारंटियां पूरे होने की ना गुंजाइश है, ना इनकी मनस्थिति है, ना ही बस की बात है। और ऐसी सूरत में इन गारंटियों का जिक्र करना ही छोड़ देना चाहिए, ये इस दस्तावेज का एक बहुत बड़ा संदेश है। जिक्र किया थोड़ा बहुत उन्होंने कि हरित क्रांति, हरित राज्य बनाने के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसमें? इन्होंने कहा कि हम 5 कॉरिडोर जो ग्रीन कॉरिडोर जो हम बनाएंगे, लेकिन उसमें काम क्या हुआ इस बात का हम जिक्र जानना चाहते हैं। कहीं भी अभी तक जो है वो उस दृष्टि से जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने की अगर बात की है उसमें जमीनी हकीकत यह है कि अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, प्रोग्रेस के नाम पर, प्रगति के नाम पर शून्य है। जिनको जिसको उनने पहले फेज में लिया है, जिनके अभिभाषण में, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सबसे पहले उसी का ही जिक्र किया हूँ। जिक्र करने एक बात है लेकिन काम करना दूसरी बात है।
और इसकी तुलना में अगर आप इस बात को देखेंगे कि हमने जब हमारी सरकार बनी थी पहले साल के बजट में 30 योजनाएं हमने शुरू की थी और 30 की 30 योजनाएं दूसरे साल जब गवर्नर का एड्रेस था उसमें उनका जिक्र था, जिक्र नहीं तो उसमें प्रोग्रेस थी, योजनाएं शुरू हो गई थी और यहां एक भी योजना जिसका जिक्र किया हुआ उसमें से शुरू एक भी योजना नहीं हो पाई, यह हकीकत है। अब मैं एक बात को सिलसिले बार में अगर थोड़ी सी अगर मैं बात कहूं, अब प्रश्न पैदा होता है कि सरकार ने कहा कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, ओपीएस दिया, अच्छी बात है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने तो यही कहा था कि हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन ओपीएस की परिस्थिति क्या है? आज ओपीएस में अब फाइल मूव हो चुकी है कि जो लास्ट पे ड्रॉन होती है उसकी 50% जो है वो पेंशन मिलती थी कर्मचारियों को ओपीएस के जो उस फॉर्मूले के मुताबिक, उसको पहले 40% करने की बात चली, अब उसको और नीचे 30% या 30 से भी 20% तक ले जाने की बात चल रही है। अब कर्मचारी भाइयों से मैं विनम्रता से इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या इस ओपीएस को अगर 20% पे लाएंगे वो, तो कौन सा कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में लाभान्वित उससे होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद कर्मचारी हितैषी की अगर बात कहते हैं, आज कर्मचारियों को डीए एरियर सारी की सारी चीजें जो है वो रुकी पड़ी हुई है, एक साल से कुछ भी एरियर के रूप में उनको अभी तक दिया नहीं गया। उल्टा कर्मचारियों को सैलरी के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसके बाद उनको सैलरी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति यह है, एचआरटीसी की स्थिति यह है,